हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट एंड शॉर सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस है रेस्टोरेंट्स में। इस सूप को बनाने का बहुत ही इजी वे मैंने इसमें बताया है वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को कर लें सब्सक्राइब। इस सूप को ज़रूर ट्राई करिएगा और इस सूप को पीने के बाद आपका स्वेटर उतर जाएगा, क्योंकि ये सूप बहुत ही हॉट होता है। तो चलिए ये हॉट सूप बनाना शुरू करते हैं। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हरा मिर्च, लहसुन और अदरक, ठीक है। लगभग 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, एक ये बंच लहसुन का लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं, 2 लाल मिर्च ली हैं। उसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है, आपके पास जो कुकिंग ऑयल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, आप इसकी जगह पे सफ़ेद वाली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों मिर्च साथ में ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, गाजर और हरा धनिया। इसके हम पत्ते को नहीं डालेंगे, इसके केवल हम स्टेम निकाल लेंगे, और 4 से 5 मशरूम, इनको हम बारीक कट करके डालेंगे। और उसके अलावा हमने लिया है सोया सॉस, जो मेन होता है इस सूप में, ये ज़रूरी होता है इसको डालना, और चिली सॉस, टोमेटो सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको बनाना। सबसे पहले हम सब्जियों को काटेंगे बारीक। सबसे पहले मशरूम को कट कर लेंगे इस तरीके से, 20 से आधा आधा कर लेंगे, फिर बारीक स्लाइसेस कर लेंगे और अब इनको एक साथ इस तरीके से जोड़ के इसको इस तरीके से देखिए बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, मशरूम को पहले से काट करके ना रखें, जब आप सूप बनाने जाएं तुरंत कट करें, क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। इसी तरीके से और सारी सब्जियां कट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी सब्जियों को अच्छे से कट कर लिया है। ग्रीन चिली डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम इसमें चिली सॉस भी डालेंगे, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से कट करके तैयार हो चुकी हैं बारीक बारीक। आप चाहें तो गाजर को इसमें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, या इस तरीके से कट करके ले सकते हैं। अब हम पैन गरम करेंगे। जब हमने सब्जियों को कट किया था तो हमारे पास ये कुछ बेस्ट पार्ट बचा था, जैसे ये कैप्सिकम का है, ये कैरेट का बीच वाला पार्ट निकाल कर ही कट करें, और ये पत्ता गोभी है, इनको हम स्टॉक के लिए रखेंगे। जब हम स्टॉक तैयार करेंगे तो इन सब्जियों से ही तैयार करेंगे। गैस पे हमने पैन चढ़ा लिया है, अब हम इसमें लगभग 1 लीटर पानी लेंगे। ये सूप हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसको इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें ये जो वेस्टेज दिया था हमने सब्जियों का, उसको डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक ध्यान से डालें, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस में भी नमक होता है, टोमेटो सॉस में भी नमक होता है। जब तक हमारा स्टॉक रेडी हो रहा है तब तक हम अपनी सब्जियों को फ्राई करने का प्रोसेस कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिसमे सीड ऑयल डाल लिया है, आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो वो आप इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको देने जा रही हूँ एक कमाल का टिप। आपने चिली ऑयल सुना होगा, अब इसी चिली ऑयल को हम घर पर ही बना सकते हैं। देखिए ऑयल को गर्म करेंगे और इस तरीके से जो ये साबुत वाला लाल मिर्च होता है इसको डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से चिली फ्राई हो रहा है, इसमें हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा ही डाला है, क्योंकि सूप में कुकिंग ऑयल बहुत कम पड़ता है। अब इस रेड चिली को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, अब डाल देंगे पत्ता गोभी, धनिया थी,
बारी बारी उसके हमने सेम लिए थे, इसको जरूर डालें, इसका कमाल का स्वाद आता है। अब हरा वाला प्याज, लहसुन और अदरक को सबसे लास्ट में डालेंगे। अब इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे हल्का सा। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन कटा हुआ। लहसुन की मात्रा इसमें ज़्यादा रखिएगा और अदरक की भी मात्रा ज़्यादा रखिएगा। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम जो हमने स्टॉक तैयार किया था उसको इसी में डाल देंगे। जो 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें हमने इस तरीके से लगभग आधी कटोरी पानी डाल लिया है और इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें एक भी लम्प्स नहीं है। अगर आपके इसमें लम्प्स पड़ जाएं तो आप इसको छन्नी से पहले छान लें तब इसमें डालें। ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ी मात्रा में डालना है, लगभग 2 टेबल स्पून। अब इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे। इसको खोलने के बाद अच्छे से हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून पूरा भर करके काले मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पाउडर और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। और अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भर करके सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 स्पून टोमेटो सॉस। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद सूप हमारा हो गया है सर्व करने को तैयार। तो फटाफट से मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी, ताकि मैं लाती रहूं आपके लिए इसी तरीके की रेसिपी हर बार। सूप को हमने इस तरीके से एक बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून व्हाइट विनेगर, आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ बारीक चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन। और अब ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से मैंने आपको सूप बनाना बताया है उसी तरीके से आप बनाइए और इसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट मिलेगा आपको। तो फटाफट से मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को कर लीजिए सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मेरे वीडियोस को करें लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।